मैथमेटिक्स हो चाहे न्यूमेरिकल या फिजिक्स हो Guys, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फिजिक्स की क्लास ये आपको नीचे दिख रही होगी ये रोज रात को होती है दस बजे और बेटा, दस बेटा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स रे एंड वेव बोथ ये सारा पार्ट गाइस फिजिक्स का जो कि ट्वेल्थ की फिजिक्स के अंदर आता है इस पोर्शन को मैं डील कर रहा हूं आप लोगों के साथ अभी तक हमने काफी सारी क्लासेस करी हुई है और कि आपको सब में मजा आया होगा देन गाइस इसके बाद इस क्लास के अंदर हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट भी और बेटा एक और क्लास मेरी होती है दिन में ग्यारह बज के पंद्रह मिनट पर बट ये यूट्यूब पे नहीं होती ये टेक्स्ट बुक की पे होती जिसको हम मास्टर क्लास बोलते हैं ये क्लास भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और यहां पर गाइज हम करते क्या हैं अब आप, है। आप बोलोगे सर वो बहुत प्यारी चीज लॉन्च किया है तो आप सभी बच्चों को पता है ए ए आई ए टी सी सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए हमने लॉन्च कर दिया है गाइज इस सब्सक्रिप्शन को जरा समझते हैं ये सब्सक्रिप्शन में क्या मिलता है आपको क्या चीजें हैं इसके अंदर और बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो गाइस जब आप इस मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आते हो तो यहां पर आपको दिखता है सबसे पहले एक लिंक AAI, JATC, Super आप लोगों के लिए कम समय में क्योंकि आपको इंडिया समय पढ़ने के लिए नहीं देता आप लोगों के लिए कम समय में, बहुत प्यारे तरीके से गाइस कॉन्टेंट को हमने डिजाइन किया है और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है सबसे पहले तो बेटा मेरा फिजिक्स का ऑनगोइंग बैच मिलता है जहां पर वो सारे सब्जेक्ट्स में डील करने वाला हूँ सारे चैप्टर्स में डील करने वाला हूँ जिनको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जैसे इलेक्ट्रोस्टेट्स मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अतुल सर जो, आपके आपके मैथमेटिक्स के पार्ट के, जो एक्सपर्ट हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए गाइस वो अतुल सर जो हैं आपके वो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन इसके अंदर ले रहे हैं सफलता बैच के अंदर लेवल पे पढ़ा रहे हैं गाइस एक दो क्लास अटेंड करोगे तुमको पता चल जाएगा कि तुमने क्या पा लिया Guys, इसके अलावा अगर बढ़िया तो तरीके, तरीके से नॉन टेक्निकल की पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स का मैंने ये वाले बैच के अलावा हमने आपको तीन बैचेस और प्रोवाइड किए जैसे शैलेन्द्र कंटक सर का बैच निम्बस लर्निंग इंस्टीट्यूट का बैच फोटोनिक्स का बैच ये सारे बैच भी हैं आपके पास इनमें से आप वो पर्टिकुलर पोर्शन को कवर अप कर सकते हो जैसे मैकेनिक्स का पोर्शन हो गया है ना और आपका एस एच एम वगैरह वाला पोर्ट हो गया वो पार्ट को आप यहाँ से कवर कर सकते हो जो इलेवंथ की फिजिक्स में आता है ये पोर्शन बहुत ज्यादा मार्क्स का तो आपका पेपर में नहीं आता लेकिन फिर भी ये पोर्शन आप यहाँ से कवर कर सकते हो देन गाइस अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए मेरी फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस गाइस यहां पर लाइव इंक्लूडेड हैं एक दिन ट्यूसडे एक दिन थर्सडे को ये दोनों क्लास लाइव होती है जहां पर आपको फिजिक्स का कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछो चाहे क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आओ के फॉर्म में लेके आओ जिसमें आपको लेके आना है लेके आइए इसके अलावा गाइज यहां पर आपको एक और चीज मिलती है वो ये है कि मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ जैसे काफी सारी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है अलग अलग देन मैथमेटिक्स में भी सेम सिचुएशन है गाइज सेम चीज मैथमेटिक्स में भी होती है डाउट एंड रिविजन की अगर हम बात करें तो नॉन टेक्निकल के लिए डाउट एंड रिविजन को मैं आप लोग के लिए यहां पे मिलता हूं। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आपकी प्रिपरेशन में आ रही है चाहे आपका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है कुछ भी तो मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करता हूँ राइट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो इंक्लूड कर दी गई है गाइज आज तक जितने भी एटीसी के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं आपने शायद मेरे साथ उनके इंटरव्यूज भी देखे होंगे सभी का एक कहना है कि सर टेक्ट बुक की टेस्ट सीरीज तो लगानी ही जरूरी है ऊपर का नीचे का आगे का पीछे का कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये लगा के जाना भाई क्यों हर एक बच्चे ने कम से कम 120 से 150 के बीच में टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं हर बार एटीसी के और बच्चे ये बोलते हैं कि सर जब ये सारी ये पूरी टेस्ट सीरीज लगा के चले होना तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो अपन ने पहले कभी देखा हुआ ना हो सारे क्वेश्चन अपने देखे हुए मिल जाते हैं या तो आपका करवाया हुआ होगा या तो टेस्ट सीरीज में होगा कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन पिक हो ही जाता है तो गाइज विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मेरा मेन मोटिव आपको फिजिक्स पढ़ाना नहीं है मेरा मेन मोटिव है कि आप इस बार यार एटीसी मचा देना यार ठीक है तो टीसी में सेलेक्ट होना है भाई तो ये तो ये टेस्ट सीरीज लगाते रहना है जैसे जैसे आपके टॉपिक होते जाए टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते जाओ जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट होते जाए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाते जाओ लास्ट में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो हम फुल लेंथ टेस्ट लगाना चालू कर देंगे है ना डेली दो दो घंटे दो दो घंटे बैठ के टेस्ट देना चालू कर देंगे इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें आती इसके प्राइस की बात तो प्राइस तो यार कम से कम ही होना चाहिए क्योंकि आप भी जानते हो एटीसी के बाद ये सब्सक्रिप्शन आपके किसी काम का नहीं होने वाला क्यों क्योंकि आप जिन एग्जाम्स की तैयारी करते हो अगर उन एग्जाम्स की भी तैयारी अगर आप आगे चल के करते हो तो एटीसी का सब्सक्रिप्शन तो आपके किसी काम नहीं आने वाला इसीलिए बेटा हमने इसके सब्सक्रिप्शन का प्राइस ऑलरेडी बहुत कम रखा है फोर वन डबल नाइन वो भी सिर्फ सिक्स सिक्स मंथस के लिए सिक्स मंथ इसलिए कर दिया है क्योंकि भाई क्या पता कभी एटीसी का मूड बदल जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार साढ़े चार महीने बाद पेपर करवाए तो इसलिए सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है अगर हम यहाँ पे तीन महीने का रखते तो या दिक्कत ही हो जाती कि अगर मान लो चार महीने बाद पेपर होता तो बच्चे को दोबारा लेना पड़ता और अगर हम तीन महीने का ही रखते सिर्फ तीन महीने का तो चार महीने का अगर बाद पेपर होता तो फिर हमारे साथ दिक्कत हो जाती हमको कुछ टेक्निकल चीजों को चेंज करना पड़ता इसलिए हमने भी सेफ साइड देखा बच्चों के लिए और सिक्स मंथस का कर दिया अब आती है बात गाइज इसके बाद की तो यहां पर आप लोगों को एक कूपन कोड अप्लाई करना है इसको परचेस करने के पहले मैं आपको बोल रहा हूं बेटा हजारों लोग ऑलरेडी पढ़ना चालू कर चुके हैं मैं आपको डेटा बताता हूँ हजारों लोग कम से कम मेरे हिसाब से आई थिंक ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी के आसपास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चालू कर चुके हैं नाउ इट्स योर टर्न गो फॉर इट गाइस गाइस मोहित के टेक्स बुक का एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड है जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये फोर भी कम हो जाएगा आपका और ये मात्र थर्टी के अंदर आपको हो जाएगा सर एक बार लगा के बता दो ये ठीक है सर लगा के दिखा देते हैं तो बेटा जैसे मैं इसको यहाँ पे लगाने जाऊंगा यहाँ पे अप्लाई कूपन करने जाऊंगा तो ये यह यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर एम ओ एच आई टी के मोहित के अप्लाई कर देता हूँ मोहित के जैसे ही अप्लाई करूंगा ये देखेंगे आप थ्री एट डबल नाइन का हो जाएगा गाइस मेरी क्लास के तुरंत बाद आप इसको परचेस करें तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है यही अमाउंट आपको एज इट इज रिफ्लेक्ट होगा ठीक है तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए इसके बाद अगर मान लीजिए किसी बच्चे को लगता है कोई बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते इतना अमाउंट भी उनके लिए ज्यादा है नो no डाउट तो आपके लिए बेटा एक चांस अच्छा है पहले तो एक चांस तो आपको कल पता ही था ऑफर चल रहा था एक और चांस आपके पास अच्छा है

तो अगर आप जीतते हो तो वेरी वेल एंड गुड नहीं तो अदरवाइज गो फॉर टाइम इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं ठीक है चलिए भाई मैंने किया था था कूपन से टू में मिल गया बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सल कोड क्या बात है रिया है? बहुत पे आप पूरा का फिजिक्स कवर करेंगे ना रुद्रांशी राठौर बेटा देखो पूरा अगर एटीसी का फिजिक्स वाईटी पे अगर कवर हो सकता होता तो पहले ही कर दिया होता वाई पे जो भी चीजें होंगी वो ये होंगी जो कभी पेड पेड बैच बैच में में नहीं है और पेड़ बैच में जो चीजें हैं वो कभी वाई पे नहीं आएंगी पेड बैच में एंटायर थ्योरी चीजें पढ़ाई जा रही हैं ताकि वहां टाइम यूटिलाइज किया जा रहा है आप मुझे बताओ बेटा फिजिक्स का पार्ट क्या पूरा का पूरा आपके एग्जाम के पहले क्या वाई पे पढ़ा पाना पॉसिबल है नहीं है हमारे पास इतना समय तो नहीं है बेटा ठीक है दूसरी बात आपको मतलब आप अगर देखो तो इसीलिए हमने क्या करा है अपनी फिजिक्स की क्लासेस को मैथमेटिक्स की क्लासेस को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लिया है जो हमारा मेरा लक्ष्य बैच है वहां पर मैं थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा वर्क करता हूं फॉर्मुला याद करवाने में ज्यादा वर्क करता हूं और यहां पर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में वही चीज करवाने की कोशिश करता हूँ तो यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है ये इंपॉर्टेंस है अगर कोई बच्चा केवल YouTube देखेगा तो मैं बोलूंगा फिजिक्स तुम्हारी अधूरी रह जाएगी कोई बच्चा अकेला मेरा लक्ष्य बैच में पड़ेगा पेड़ बैच में और YouTube नहीं देखेगा तो भी मैं बोलता हूं तुम्हारी फिजिक्स अधूरी रह जाएगी तो बेटा मेरे लिए आप हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट हो जो YouTube देख रहा है वो भी और जो पेड़ बैच में है वो भी आप देखना हमेशा मैं पेड़ बैच में बोलता रहता हूँ मेरे यूट्यूब की क्लास में आओ और यूट्यूब वाले बच्चों को बोलता हूं वहां पर जाओ इससे आपका होगा क्या दोनों चीजें सिंक होकर चलेंगी और आप बढ़िया तरीके से चीजों को सीख पाओगे क्लियर है चलिए अब इस रेट में नहीं मिल पाएगा भैया हो गया वो गया दिन तो जैसे जैसे पास आएगा बेटा बढ़ता ही जाएगा ना है ना चलिए स्टार्ट करते इस्टार्ट करें। तो सेशन को एक बार बेटा दिल से लाइक कर दो ऐसे करके ठीक है और मस्त तरीके से मचा देते हैं एक बार टेलीग्राम पे सेशन को शेयर कर देना मोहित सर इज लाइव नाउ ऐसा करके शेयर कर देना सभी बच्चे क्योंकि आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से मैं आपको वादा करता हूं कि एटीसी हो ही नहीं सकता कि सवाल ना पूछे मतलब ये प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है कि एटीसी यहां से कोई सवाल ना पूछे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आ जाइए गाइस तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं गाइस उनको जरा अपन समझते हैं और उनके ऊपर अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में लेके आता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ही प्यारा सवाल है गाई जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे पहला सवाल मैं आप लोग के लिए लेके आता हूं ठीक है इफ अ रॉड इफ अ रॉड ऑफ इफ अ रॉड ऑफ टेन सेंटीमीटर इफ अ रॉड ऑफ टेन सेंटीमीटर मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ Moving with a velocity of moving with a velocity of velocity of 2k cap 2k cap meter per second moving with a velocity of 2k cap meter per second in a uniform magnetic field of in a uniform magnetic field of इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इन अफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप वेबर पर मीटर स्क्वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप वेबर पर मीटर स्क्वायर फाइंड द डेवलप्ड इन रॉड फाइंड द ई एम एफ डेवलप्ड इन रॉड फाइंड दिन रॉड फाइंड द ई एम एफ डेवलप्ड इन रॉड ये देखिए यह है बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन यह है जीवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस तरीके के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई एम एफ को बोलते हैं डायनामिकली ई एम एफ इंड्यूस्ड क्या बोलते हैं डायनमिकली ई एम एफ इजूस्ड इस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत महा, महान इंसान का लॉ बैठा हुआ है उस लॉ को अगर आपको याद हो तो ट्राई करो अदरवाइज फिर मोहित सर बैठे हुए समझाने के लिए एक रॉड है भाई सेंटीमीटर की जो कि मूव कर रही है है वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी फ्लक्स डेंसिटी इतनी दी हुई है आपको बताना ईएमएफ e कितना डेवलप होगा रॉड के अंदर जल्दी करेंगे फटाफट -फड़ मस्त तरीके से एक एक बच्चा मचाएगा एक एक बच्चा मचाने वाला है एक एक बच्चा मचाएगा एक एक बच्चा मचाने वाला है मुझे हर बच्चे से आंसर चाहिए नहीं मिलेगा मोहित सर बैठे हैं समझाने के लिए पूरा डायग्राम बनाकर प्यार से समझा देंगे चिंता करने की जरूरत नहीं लगभग पच्चीस बार मैसेज किए टेक्स्ट बुक को आपने सोलो क्लास के रिगार्डिंग कोई सुनता नहीं है तथागत बेटा कॉल कर लेना यार मैं क्या बोलूं बेटा तू बेटा मेरे हाथ में क्या है तू बता क्या बात है रावे भाई लव यू यार है ना तथागत बेटा मैं तेरी परेशानी को बहुत अच्छे से समझता हूँ फोन पे बात करता हूँ कल कैसा क्या बोलता है कल अपन फोन पे बात करते हैं एक बार दो बजे से लेकर के तू मेरे को कॉल करना दो बजे एग्जैक्ट कॉल करना ठीक है कल मैं तेरे को फोन पे बात करता हूँ तेरी परेशानी मैं कल रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा हो सका तो कोई टीम मेंबर से भी तेरी पर्सनली उसी समय बात करवाऊंगा ठीक है तेरी बात करवाऊंगा डोंट वरी चलिए तो गौरंग भाई का हमारा आंसर आ चुका है चले इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसका आंसर देंगे एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को इसके पीछे का क्या रूल है क्या रेगुलेशंस हैं सारी चीजें आपको बतानी है मस्त तरीके से सारी चीजें बेटा आपको बतानी है मस्त तरीके से जले करो चले कैन वी मूव ऑन क्या हम मूव ऑन करें चलिए मूव ऑन करें चलो आ जाओ चलो आ जाओ तो बेटा यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है यहां पर आपको बोला जा रहा है कि ये आपके पास बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है गाइस आपके पास किस तरीके से ठीक है चलिए यहां पर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो 2i plus 3j है 2i plus 3j का मतलब ये होता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो xy प्लेन में रखी हुई है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा किस प्लेन में रखी हुई है i कैप j कैप आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो i कैप j कैप यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्लेट के प्लेन में रखी हुई है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्लेन में रखी हुई है यहाँ पर 2i plus j क्या? 2i plus 3. तो ये आपकी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस में रखे हुई है। इस प्लेन 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 में में ये ये आपकी फ्लक्स डेंसिटी आपको दिख दिख रहा होगा ठीक है इस अब आपका जो रॉड है एक्चुअल में आपकी जो रॉड है बेटा एक्चुअल में वो आपकी रॉड अगर आप देखोगे तो इतनी वेलोसिटी से टू के है ना मीटर पर सेकेंड टू क्या है बेटा उसकी वैल्यू वे, रॉड की और मीटर पर सेकेंड और के क्या है उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन की तो आपकी जो रॉड है एक्चुअली वो जेड डायरेक्शन में यहां पर रोटेट कर रही है जेड डायरेक्शन में ऐसे जा रही है आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वो जेड डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही है आपकी जो वेलोसिटी है वो जेड डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही है ये आपकी, 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 आपकी जेड डायरेक्शन है, है इस डायरेक्शन में जा रही है ये जेड डायरेक्शन है लेंथ जो है वेलोसिटी की वो 10 सेंटीमीटर है यानी कि 0.1 मीटर है और इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी जा रही है अब यहां पर सवाल क्या उठता है जरा वो सुनना सवाल उठता है यहां पर कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इसके अंदर तो पहले तो ये पता होना चाहिए इसमें ईएमएफ होगा भी नहीं होगा तो भैया हमारे फ्लेमिंग साहब जो थे उन्होंने हमको एक रूल दिया था हमारे जो फ्लेमिंग साहब थे उन्होंने हमको एक रूल दिया था फ्लेमिंग का रूल था जिसको हमने बोला था राइट हैंड रूल क्या बोला था बेटा हमने राइट हैंड रूल तो फ्लेमिंग साहब ने राइट हैंड रूल हमको दिया था और वो रूल हमको कितना दिया था वो वो रूल क्या दिया था वो भी बताता हूँ और ये वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी तो वेलोसिटी इसकी है टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉरी टू मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है अब यहां पर हमने यहाँ डायरेक्शन बना दी इसलिए हमको के लिखने की जरूरत नहीं है तो बेटा फ्लेमिंग साहब ने एक रूल दिया था कि जब भी कोई कंडक्टर उसमें करंट नहीं है जब भी कोई कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करवा दोगे यानी कि उसमें वेलोसिटी दे दोगे जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करवा दोगे यानी कि उसमें वेलोसिटी दे दोगे तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ 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 इंड्यूस हो जाएगा उस उस को उन्होंने बताया था उस का जो मैग्नीट्यूड होता है उस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है बी एल वी साइन थीटा सॉरी उस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो कितना होता है बी एल वी साइन थीटा ये इसका मैग्नीट्यूड होता है बी एल वी साइन थीटा याद रखना बी यहां पर है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप सभी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिख रही होगी क्या मुझे इसका मॉड्यूलस बता सकते हो यहाँ तो एक्जेक्ट वैल्यू रखनी है तो क्या स्क्वायर हाँ तो तो प्लस थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा टू का स्क्वायर square... क्या हो गया भाई टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर ये मॉड्यूलस आ जाएगा चार प्लस नौ कितना होता है रूट थर्टीन आ जाएगा हाँ सर तो मॉड्यूलस कितना आ जाएगा इसका रूट थर्टीन ठीक है 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 सर आपको 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 दी 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 हुई 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 भी तो magnetic field sorry, EMF कितना आ जाएगा बेटा बेटा हमारा Root 13 into length. Length कितनी है? Velocity आपको दी हुई है, कितनी 2. अभी आता है थीटा. ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है ये थीटा एक्चुअली में एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है तो आप ही मुझे बताओ बेटा अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कहा जा रहा है आपका कंडक्टर बिल्कुल आपके पास आ रहा है, क्या है? इसके तो नाइनटी डिग्री तो साइन नाइनटी तो कितना वन हो जाएगा साइन नाइनटी वन हो जाएगा तो हमारा इंड्यूस डीएमएफ का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा रूट थ्री बाय फाइव वोल्ट ये तो हमारा आ गया मैग्नीट्यूड बट क्या इंड्यूस डीएमएफ की डायरेक्शन भी हमको पता चलेगी क्या इस इंड्यूस की डायरेक्शन भी हमको पता चलेगी तो बिल्कुल हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं उसके लिए फ्लेमिंग साहब ने बोला था कि राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो डायरेक्शन पता चलेगी लेकिन आज हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में है इसीलिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल नहीं लगा पाते राइट हैंड थंब रूल उस जगह पे लगाना है जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जिस्टिंग हो किसी एक दिशा में यानी कि राइट हैंड थंब रूल केवल तभी लगता है जब आपकी क्वांटिटी की डायरेक्शन वन डायमेंशन में हो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या तो एक्स में होती या तो वाई में या तो जेड में एक्स और वाई में है तो नहीं लगा पाएंगे आखिर में होता तो नहीं लगा पाएंगे एक्स जेड में होगा तो नहीं लगा पाएंगे ठीक है तो आज राइट हैंड थंब रूल से तो डायरेक्शन पता नहीं चलने वाली फिर सर फिर कैसे डायरेक्शन पता चलेगी बताता हूं तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आपको किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा बता देता हूं तो आपका जो ई है वो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा है ना आपका ई एम एफ जो है आपका ई एम एफ वी क्रॉस बी सॉरी V क्रॉस B, B आपका ई जाएगा क्या हो जाएगा बेटा आपका 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 V V V क्रॉस 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 B B B क्या हो हो जाएगा जाएगा तो लेंथ तो आपको पता ही है तो पॉइंट वन लिख देते हैं अब यहां पे देखेंगे आप V क्रॉस B लगाओगे तो यानी कि वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ

प्लस के क्रॉस जे उल्टा चल रहा है तो माइनस में आ जाएगा कितना टू थ्री जब माइनस का थ्री आई अब बात आती है कि जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है हमने जो कैलकुलेट किया है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इंड्यूस इंडियम की जो डायरेक्शन बेटा हमारी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी जीरो पॉइंट फोर का जे कैप ठीक है जीरो पॉइंट फोर का जे कैप माइनस का जीरो पॉइंट थ्री का जीरो पॉइंट माइनस का जीरो पॉइंट थ्री का क्या आ जाएगा आई कैप ये हमारी बेटा इंड्यूस डीएमएफ वेक्टर फॉर्म में निकल के आ गया ये हमारा इंड्यूस डीएमएफ क्या निकल के आ गया वेक्टर फॉर्म में निकल के आ गया सेम हमारा इंड्यूस डीएमएफ यहां भी वेक्टर फॉर्म में यही निकल के आया था सेम हमारा इंड्यूस डीएमएफ यहां पे कुछ लफड़ा है ना वेलोसिटी का हाँ एक लफड़ा मैंने ये कर दिया ये वेलोसिटी का ना तो टू टू जब फोर तुम्हारा है तो फोर जे हो गया टू थ्री जब सिक्स हाँ ये मैंने वही मुझे लग रहा था कुछ तो मैंने गलती करी है ये कर देना सिक्स कर देना बेटा कुछ तो गलती करी मैंने माइनस का सिक्स जे ये हो जाएगा ठीक है तो माइनस का 6, जे. ये सही कर लेना कुछ नहीं बस ये गलती करिए ठीक है तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरा मैग्नीट्यूड जो है वो ये आना चाहिए अगर मेरा मैग्नीट्यूड ये नहीं आया तो तो मैंने फॉर्मूला ही गलत लगाया है तो मेरा मैग्नीट्यूड तो ये आना चाहिए तो इसको सॉल्व करके इसका मैग्नीट्यूड जब निकालने लगोगे तो बेटा इसमें से एक काम करो पॉइंट वन को बाहर कर लो पॉइंट वन को क्या कर लो बाहर कर लो टू को भी बाहर कर लो तो पॉइंट वन डिवाइडेड बाय टू को हमने बाहर कर लिया तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा मात्र टू जे माइनस का है ना मात्र टू जे माइनस का क्या बचेगा थ्री आई माइनस का थ्री आई बचेगा तो भैया कोई बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है थीटा किस किस के बीच का एंगल है तो भैया यहाँ पे देख लेना रे है ना यहाँ पे देख लेना ये कितना निकल के आ रहा है पॉइंट वन ही होगा ना सॉरी पॉइंट वन नहीं आएगा हाँ टेन और टू ऊपर आएगा टू ऊपर आएगा टेन नीचे आएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पॉइंट वन पॉइंट वन और एक और क्या आएगा टू तो पॉइंट टू हो जाएगा है ना पॉइंट टू हो जाएगा ये सिंपल पॉइंट टू कर दिया, ठीक है

और माइनस आई बनेगा इधर और जे तो आपका जो ई एम है ना वो इस प्लेन में आने वाला है आपका जो ई एम है आपका वो ई जो इंड्यूज है ना वो इस प्लेन में आएगा इस वाले प्लेन में इस प्लेन में आपके ई एम की डायरेक्शन देखने को मिलेगी इस प्लेन में आपका ई एम एफ देखने को मिलेगा कैसा था भाई बोल जल्दी सवाल कैसा था भाई बोल जल्दी सवाल कैसा था सवाल बोल कैसा था सवाल अब कोई बच्चा बोलेगा सेकंड क्वाड्रेंट अगर किसी बच्चे ने ये बोल दिया सेकंड क्वाड्रेंट इसको इसका मतलब क्वाड्रेंट का नॉलेज नहीं क्वाड्रेंट वर्ड यूज किया जाता है टू डायमेंशन के अंदर टू डायमेंशन टू डायमेंशन यानी कि ये एक एक्स और एक वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पर जो बातें चल रही है वो थ्री डायमेंशन की चल रही है यहां पर कोई क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट नहीं आएगा डायमेंशन में टोटल आठ क्वाड्रेंट होते हैं उसको सेकंड क्वाड्रेंट मत बोल देना ठीक है हा? चल, चल, लास्ट स्टेप समझ में नहीं आई चलिए तो बेटा फ्लेमिंग साहब ने बोला था एल बी क्रॉस बी वेलोसिटी ये है ये है ये पॉइंट वन है ये है ठीक ओके अब इसमें से टू कॉमन ले सकता है कि नहीं ले सकता, ले सकता है। टू को वन में करेगा, तो, तो लिखा है अब इसका में निकालना है तो टू जे माइनस थ्री आई का मैग्नीट होता है अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ थर्टीन खत्म हो गया भाई खत्म हो गया ना हा चलिए लाइक like मारेंगे सेशन को क्रॉस द लाइक टू प्लस फास्ट इट इट इज इज कॉल्ड कॉल्ड राइट राइट हैंड हैंड रूल रूल गाइस फ्लेमिंग सर क्या ये आपके पेड बैच में मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं जाकर के देख लो तो फिर पेड बैच क्यों ले क्योंकि तो वहां जो मिलेगा वो यहां नहीं मिलेगा देख लो समझ में आ रहा है तो यहां अगर क्लास पढ़ रहे हैं बच्चा मेहनत कर रहा है तो इस क्लास की भी अपनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और अगर वहां बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और जब दोनों इंपॉर्टेंस को मैच कर देगा फिर वो मचा देगा पेपर के अंदर ये मुझे पता है ठीक है तो मेरा दिमाग की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग में दोनों क्लासेस को इस तरीके से मेंटेन करूंगा कि आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में आपने सीखा क्या है ठीक है चलिए सर डेरिवेशन समझ में नहीं आती है, तो आयुष बेटा डेरिवेशन पढ़नी काई के लिए पढ़ना डेरिवेशन कौन से एग्जाम के, के लिए पढ़ना तेरे को डेरिवेशन वैसे कौन से एग्जाम के लिए तेरे को डेरिवेशन पढ़ना है कौन से एग्जाम के लिए पढ़ना डरे डेरिवेशन मतलब कौन से एग्जाम के लिए कौन सा एग्जाम है स्कूल का कॉलेज का सेमेस्टर का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अइल इफ अ सोलनोइड इफ अ सोलेनोइड कैरीज अ करंट ऑफ carries a current of if a solenoid carries a current of 1 ampere fully stop if area of cross section if area of cross section is 1 mm square number of turns in coil number of turns in coil number of turns in coil is 10 to the power of 6 number of turns in the coil is 10 to the power of 6 10 to the power of 7 number of tons in the coil is 10 to the power 7 full stop if length of if length of coil if length of coil is if length of coil is 1 meter 1 meter is the length of the coil relative permit permeability of medium permeability of medium is परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इज मस्त क्वेश्चन है बेटा. एनर्जी स्टोर्ड इन दोलोनॉइड फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन दोलोनॉइड फाइंड एनर्जी स्टोर इन सोलोनॉइड परफेक्ट क्वेश्चन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिए यही है उसकी खासियत बस यही पूछता वो. फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सोलोनॉइड सोलेनोइड में कौन सी कितनी एनर्जी स्टोर होगी भाई एक सोलेनोइड बनाया गया है एक मीटर की लंबाई का टेन की पावर ऑफ सिक्स के ऊपर वाउंड किया है उसकी है है उसकी पाई आपको बताया जा रहा सोलोनॉइड के अंदर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो वन एम एम स्क्वायर का है करंट जो कैरी करता है वो वन एम्पियर का करता है आपको बताना है ये सोलोनॉइड कितनी मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा जल्दी से कैलकुलेट करेगा एक एक बच्चा वैकेंसी so, आती है उसमें से भी रिजर्व होती है और लाखों लोग फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्शन कहां से प्राइवेट जॉब इज अ वेरी बेस्ट जॉब गो फॉर आयुष गो फॉर आई एम ऑल्सो डूइंग प्राइवेट जॉब गो फॉर दिस गो फॉर दिस बेटा है ना गो फॉर दिस गो फॉर दिस गो फॉर दिस आयुष भाई अगर आपको आपकी आपने एक्चुअली आपने अपना थॉट शेयर किया है ना तो मैं आपके थॉट की बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं गो फॉर दिस इन इंडिया देर इज अ जॉब I don't compare what is government job and private job. Job is job. Job का मतलब होता है कि आप job की पहले definition पढ़ो बेटा क्या है Job का मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हो उसको दिल से और मन लगा के करो इसको बोलते हैं job की definition. अगर आज एक लेबर अपने काम को दिल लगा के नहीं करेगा तो घर नहीं बन पाएगा अगर चाय

तो अगर आपने अपना थॉट शेयर किया है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं यू आर ओपन टू ऑल भारत के अंदर आजादी आपको बिल्कुल जो करना चाहे करें यार कन्हैया सिंह इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे सर योर वे ऑफ टीचिंग इज बेस्ट थैंक यू सो मच कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से क्या बात है देवी प्रसाद भाई लव यू यार चलिए सबके अपनी अपनी थिंकिंग है सबको है सबको जी, जीवन देश में रहने का अधिकार है, भाई, अपनी है, अपनी है ना तो करने यार, क्रिकेटर की तैयारी की तैयारी थी थी नहीं ना उन्होंने सोचा मुझे क्रिकेटर ही बनना है तो क्रिकेटर बन गए आपको लगता है आपको एटीसी ही बनना है आप बनोगे एटीसी आपको लगता है आपको कुछ और करना है आप वो कर लोगे समझ रहे हो ना बात को क्या बोल रहा हूँ मन के अंदर वो स्ट्रेंथ तो लाओ पहले स्ट्रेंथ तो लाओ है यही तो जिंदगी है एग्जाम क्लियर करना थोड़ी जिंदगी थी एग्जाम क्लियर करना कभी है ना एग्जाम क्लियर करना कभी जिंदगी होता ही नहीं भाई ये तो एक ये तो एक रास्ता है जो चाहते हो उसको अचीव करने का बस और कुछ नहीं है चलिए सोलो के बारे में समझते हैं बेटा काफी बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं क्या क्वेश्चन है जरा समझते हैं तो बेटा ये हमारा एक मटेरियल है ये हमारा तो एक मटेरियल है इस मटेरियल के ऊपर मैंने क्या करके रखा है बेटा एक कॉइल को बाउंड करके रखा है

और बेटा इसके अंदर एक चीज और बोली गई नंबर ऑफ इसके अंदर टेन की पावर ऑफ सेवन क्या बात है अब आपको यह बोलता है कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी तो सबसे पहले तो अगर एक कॉइल को अगर आप नंबर ऑफ टन में वाउंड कर देते हो तो इस कॉइल के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है उस प्रॉपर्टी को प्यार से बोलते हैं इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी फिर से एक बोलता हूं एक वायर को आप अगर इस तरीके से नंबर ऑफ टर्स में कर इंडक्टेंस तो का काम क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था एक रजिस्ट एक वायर नॉर्मल कंडक्टर वायर जो होता है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है रजिस्टेंस की तो रजिस्टेंस करता क्या है फ्लो ऑफ करेंट को अपोजिशन देता है ठीक है ओके सर सिमिलरली अगर मैं इसी वायर को ऐसे वाउंड कर अंदर तो प्रॉपर्टी आ जाती है, 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 है? मान लीजिए इस कॉइल में टेन एम्पियर फ्लो होता है होता रहेगा जीवन में कोई दिक्कत नहीं इंडक्टेंस को कोई परेशानी नहीं हो रहा है टेन एम्पियर होता रहे लेकिन अगर उस करंट ने यह बोला कि अब मैं टेन से नाइन हो जाऊंगा और फिर बोलता है वापिस टेन हो जाऊंगा ऐसी सिचुएशन में इसको दिक्कत हो जाएगी ये बोलेगा नहीं भाई ये बार-बार चेंज वाला नहीं चलेगा तो जब भी करंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है हमारे इंडक्टेंस को हो जाती दिक्कत और इंडक्टेंस चेंज इन करंट को करता है अपोज सर ये इंडक्टेंस आता कब है ये इंडक्टेंस तब आता है जब आपकी किसी कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है और कॉइल मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स में वाउंड तो एक इंडक्टेंस डेवलप हो जाता है इसी तरीके से ये भी एक कॉइल है ये एक है, इसमें भी इंडक्टेंस डेवलप होगा। आज से मेरी बात याद रख लेना, जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन कॉइल का आए जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन इंडक्टेंस का आए जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन सोलेनोइड का आए इंडक्टेंस का तोते की तरह एक फॉर्मूला आज याद रख लेना ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर N -square A upon L. ये बेटा इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है यही फॉर्मूला इंडक्टेंस ऑफ कॉइल भी होता है यही फॉर्मूला इंडक्टेंस ऑफ दुनिया भी होता है यही फॉर्मूला इंडक्टेंस ऑफ फलाना भी होता है जब भी कभी इंडक्टेंस की बात आए कुछ ऐसे नंबर ऑफ एरिया वगैरह दिया तुमको यही लगाना इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं लगाना बाहर में गया सोलेनोइड बाढ़ में गया कॉइल बाढ़ में गई दुनिया ठीक है ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला है तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं यहां पर इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं कितना डेवलप हुआ म्यूनोट की वैल्यू सबको मालूम है कितनी होती है बेटा फोर पाई इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस सेवन म्यूआर की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन फोर पाई आपको ऐसा दिया है क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं आप ये लिखा हुआ है ऑफ मीडियम मीडियम मतलब जिसके थ्रू फ्लक्स फ्लो होगा जिसके थ्रू फ्लक्स फ्लो होगा उसकी मीडियम कि ये जो अंदर का डिब्बा को करना पड़ेगा एरिया की बात करोगे तो एरिया भी गिवन है चलो पहले इतना सोल्व कर इधर बोर्ड छोटा पड़ जाएगा ना इसको इतना सोल्व करने के लिए बोल रहा हूँ फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो जाएगा टेन की पावर सेवन से एक टेन की पावर सेवन कैंसिल हो जाएगा

एल मतलब होता है टेन टेन डिवाइड बाई टू यानी कि फाइव और आई की वैल्यू कितनी दी हुई है वन एम्पियर यानी कि टेन डिवाइड बाई फाइव यानी कि पांच जूल की एनर्जी ये स्टोर कर लेगा खत्म समझे अमरनाथ बेटा कैसा लगा एकदम बताना जीव एकदम मजा आया दिल से या नहीं एकदम मजा आया दिल से या नहीं सोलोनोइड के अंदर एनर्जी स्टोर करना सीखे सीखे क्या फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाना सीख पाए सीख पाए ये दोनों चीज सीख पाए यस सर अब एक बात, दिल से सभी बच्चे बेटा सेशन को लाइक like करेंगे और क्रॉस करेंगे उसके बाद चलूंगा, की उपर, और एकदम एक 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 गजब की चीज आपको सिखा के जाने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बिल बिलाता हुआ आ जाएगा और एकदम गजब की चीज आपको सिखा के जाने वाला है जल्दी से सेशन को लाइक करके सिक्सटी क्रॉस कर दो बस जल्दी से सेशन को लाइक करके 73 स्टूडेंट्स आर वाचिंग नाउ लाइक like इज एक बार अपना प्यार दिखाओ बेटा आप पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं हमारे बीच में जो प्यार है वो यही है ठीक है चलिए नेक्स्ट और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओ लाइव चैट के अंदर अपने डाउट्स पूछ पाओ ये सारी चीजें आप कर पाओ राइट चलिए तो बेटा बढ़िया तरीके से हमने एक सवाल तो ये किया आज सोलोनोइड की एनर्जी स्टोर करने का एक सवाल हमने ये किया फ्लैमिंग का राइट हैंड रूल लगाने का ठीक है उसके बाद हमने फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाना सीखा ई का डेवलपमेंट सीखा कि फ्लेमिंग्स साहब ने क्या बोला था ठीक है इस तरीके के ईएमएफ को डायनामिक ईएमएफ भी बोलते हैं बट उतना आपको जाना नहीं है अभी मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं उतना हद तक आपको जाना नहीं है इतना भी याद रखोगे तो सफिशियंट है ठीक है चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पे डेवलप करता हूं अगेन ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यही अच्छा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जब मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है विद द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन इंडक्शन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था माइकल फराडे साहब ने 1842 में कब 1842 में ठीक है 1842 के समय की बात है ये और बेटा उन्होंने अपने ईएमएफ के बारे में भी काफी कुछ बताया था ठीक है चलिए तो एक बड़ा प्यारा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं हूँ बेटा आज आपके पास यहां पर एक कंडक्टर है और जो कि सर्कल फॉर्म में है ठीक है यहां पर एक कंडक्टर है जो कि सर्कल के फॉर्म में है. अब इस क्वेश्चन के लिए मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज लिखूंगा कोई सेंस नहीं है, है ना वो चलो लिख देता हूं इफ अ सर्क्यूलर कॉइल कंडक्टर इफ अ सर्क्यूलर कॉइल कंडक्टर ऑफ सर्क्युलर कॉल कंडक्टर ऑफ कैरिंग करंट इफ अर्क्यूलर कॉयल कंडक्टर ऑफ कैरिंग करंट आई ए शोन इन द फिगर ए शोन इन फिगर ए शोन इन फिगर एक सर्क्यूलर कंडक्टर है जो कैरी करता है करेंट को शोन इन फिगर फिगर अभी दूंगा ठीक है इफ अनादर कंडक्टर अनादर कंडक्टर इन सर्क्यूलर शेप इफ अनादर कंडक्टर इन सर्क्यूलर शेप near इट कैप्टियर इट it, इट near इट क्या मतलब है सवाल अब क्वेश्चन ये है भैया एक कंडक्टर ये था बोलो हाँ या ना हाँ सर इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट दिया है वो ऐसा बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में करंट है ये करंट है एक सर्कुलर कंडक्टर है जिसके अंदर करंट कैरी है एज शोन इन द फिगर अब वो ये बोल रहा है कि एक अनादर कंडक्टर वो भी सर्कुलर शेप का ही है और उस कंडक्टर को मैंने लाके इसके जस्ट बगल में रख दिया उस कंडक्टर को मैंने लाके इसके जस्ट बगल में रख दिया इस कंडक्टर में किसी तरीके का कोई भी करंट अभी अवेलेबल नहीं है इस कंडक्टर में किसी भी तरीके का कोई भी करंट अवेलेबल नहीं है सेम इसी वैरायटी का ये एक और कंडक्टर है इसको मैंने इसके बगल में लाके रख दिया अब आपको ये बताना है कि ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा कि क्या होगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे दोनों कंडक्टर क्या दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इसके अंदर जल्दी बताएंगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है दिस इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन को बड़ा ही प्यारा सवाल है परफेक्ट क्वेश्चन है एटीसी के लिए बेटा परफेक्ट क्वेश्चन है एटीसी के लिए जल्दी करेंगे जले मैं बाजा बजा दूंगा एटीसी के पेपर के पहले ध्यान रखना है ना लास्ट टाइम पे किस्मत ने साथ नहीं दिया था पेपर बहुत जल्दी आ गया था मैं बाजा बजा दूंगा इस बार ये ध्यान रखना ठीक है मैं बाजा बजा दूंगा बेटा ध्यान रखना ठीक है मैं बाजा बजा दूंगा पूरी तरीके से चले क्या ये अट्रैक्ट करेंगे क्या ये रिपेल करेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है जो जहां रखा है वो वहीं रखा हुआ है जल्दी बता दो मेरे लाल जल्दी बता दो कुछ बच्चे बोल रहे हैं अट्रैक्ट कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिपेयर लॉजिक क्या मालूम नहीं लॉजिक क्या है लेकिन ऑनलाइन नहीं कर पाता प्लीज सॉल्व प्रॉब्लम ईशांत भाई आपकी इस प्रॉब्लम को मैंने टीम तक पहुंचा दिया है ठीक है बस मुझे कल का दिन और देना यार नहीं तो टीम को आप कॉल कर लीजिए रिपोर्ट कर दीजिए प्रॉब्लम वो भी आपकी बात सुनेंगे मैंने अपनी तरफ से पहुंचा दिया भाई मैंने अपनी तरफ से आप लोगों की प्रॉब्लम को पहुंचा दिया आप कॉल कर लो आप मैसेज कर दो मेल करो कॉल करो रिपोर्ट करो अपने आप क्लियर कर जाएगी सारी बात है कोई बड़ी चीज नहीं श्वेता को देख रहे है आप गजब तेज तेज आंसर ते ते बता रही है एकदम चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा कैसे होगा एक सर्कुलर कंडक्टर है जिसके अंदर करंट आई है अब देखो बेटा ये सवाल बहुत गजब का है गजब का सवाल है आप बोलोगे सर कैसे देखो होता क्या है इस सवाल के अंदर दो तरीके तीन लॉ लगते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तीन नियम कायदे लगते हैं कितने एक दो नहीं टोटल तीन नियम कायदे सर कैसे सबसे पहले तो इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो 1820 में जाना पड़ता है 1820 में हंस क्रिस्चियन और सर के पास जब हंस क्रिश्चियन और सर के पास जाना पड़ता है तो उन्होंने बताया था दुनिया में जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी दुनिया में जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल देगा तो बेटा आज हमारी राइट हैंड ये रहा थंब रूल आज हमारी उंगलियों में उंगलियों को मोड़ो क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ऐसे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहा अंदर अंगूठा अंदर, अंदर जा रहा है अंगूठा अंदर, अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये निकल के आई अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन यहां निकल के आई नहीं निकल के आई हाँ सर, बिल्कुल निकल के आई अब फ्लक्स डायरेक्शन की तरफ मतलब अगर अंदर जा रहा होगा तो कभी ना कभी वापस भी तो उठ के आएगा अंदर जा रहा होगा तो कभी ना कभी वापस भी, भी उठ के आएगा अब इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका देखो जरा क्या है आप क्या करो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर करंट को ऐसे मानो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे करंट को मानो डाउनवर्ड डाउनवर्ड करंट है या नहीं हाँ सर इधर मानो करंट को कहां पे अपवर्ड अब अब आप मुझे <coughs> अब आप मुझे मुझे बताइए बताइए मैग्नेटिक फील्ड है करंट बेटा कहां जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है हाँ सर अगर करंट बेटा नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो अंगूठे को नीचे ले आओ और मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी ऐसी मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां से अंदर जाएगी और सुनते जाना मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां से अंदर जाएगी है ना और यहां से बाहर आएगी ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी ऐसे जाएगी अभी बोलेंगे अंगूटा आ गया था तो से पीछे से, से उसे बाहर आई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे कहां होगी यहां पे अब ये वाले कंडक्टर को देखो इस वाले कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो अंगूठा उंगलियां कहां जाएंगी इधर देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर है उंगलियां कहां जाएंगी अंदर इधर से अंदर जाएंगी और इधर से कहां आएंगी बाहर तो इधर से अंदर जा रही है और इधर से कहां आ रही है बाहर की डायरेक्शन में और यहां से कहां जा रही है अंदर की तरफ तो इस कंडक्टर के द्वारा यह मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है या नहीं हुई है हाँ सर अब ये मैग्नेटिक फील्ड को देखो

इधर अंदर कहा है इस वाले कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन जो है वो यहां पे है हाँ सर तो इसका मतलब ये हुआ इस कंडक्टर की कॉइल वन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल टू के कंडक्टर से लिंक करेगी या नहीं करेगी करेगी मतलब इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के साथ क्या कर रही है लिंक कर रही है तब 1844 में जाना पड़ेगा फेराडे साहब के पास उन्होंने बोला था जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कंडक्टर को कट करेगी जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कंडक्टर को कट करेगी तो साला कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ पैदा, पैदा हो जाएगा इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा ऐसा उन्होंने बोला था जब इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा तो फिर चलता है तीसरे लॉ की तरफ और उस लॉ का नाम था लेंस लॉ उस लौ का नाम था लॉ एक तीसरा लॉ और होता है बेटा जिसका नाम था लॉ e ऐसा नहीं हो सकता था जो कि लेंज है, वो पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है 1600 पे किसका प्रिंसिपल था अरे न्यूटन का थर्ड लॉ एवरी एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन तो लेंस साहब का जो लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है

इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है ये मैग्नेटिक फील्ड कहां है अंदर की तरफ तो एक काम करो एक मैग्नेटिक फील्ड लाओ बाहर की तरफ तो लेंस क्या करता है है इस कंडक्टर में एक और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड डेवलप करता बाहर बाहर की जब की तरफ तरफ जब आती है तो हमारा अंगूठा बाहर की तरफ आ गया तो जब अंगूठा बाहर की तरफ आ जाता है जब अंगूठा बाहर की तरफ आ जाता है तो करंट ऐसा हो जाता है तो करंट ऐसा होना चाहिए करंट कैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो एक कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है एक कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है ये दोनों एक दूसरे को क्या मारेंगे रिपेल ये दोनों तुरंत एक दूसरे को क्या मारेंगे रिपेल। ये होता है लेंस की अपोजिशन की वजह से समझे फिर से समझो इस कंडक्टर में पहले से करंट था और स्ट्रेट की वजह से इस कंडक्टर में क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देख ली मैग्नेटिक फील्ड की कहां है अंदर की तरफ कहां है अंदर की तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से ऐसे आएगी तो इस कंडक्टर को लिंक करेगी

समझे? इसमें इसमें करेगी है, हाँ है। तो इसमें क्या जाएगा? E आ जाएगा ईएमएफ आ जाएगा ईएमएफ एम हाँ उस ईएमएफ e की वजह से इसमें करंट फ्लो हो जाएगा उस करंट को बोलते हैं एडी करंट उस कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता था मैं चाहता था लेंस लॉ बताऊ ठीक है समझे अरे कोई क्या क्या हो गया अरे काय परेशान होता कहां लिखा है इसमें करंट कांस्टेंट है कहां लिखा है इसमें करंट कांस्टेंट है क्या हो गया बेटा तेरे को क्या इतना इतना क्यों परेशान हो रहा कहां लिखा है मैंने क्वेश्चन करंट में कांस्टेंट कॉन्स्टेंट गौराम भाई बोल रहे करंट कांस्टेंट है कहां लिखा है इसमें करेंट कॉन्स्टेंट बता मेरे को इसमें दिखा इन अ सर्कुलर करंट कंडक्टर ऑफ कैरिंग करंट आई एस शोन इन द फिगर इसमें कहां लिखा है करंट कांस्टेंट है ना इसमें कोई तो वैल्यू दी मैंने ना कोई कुछ दिया करंट कांस्टेंट कहां लिखा है इसके अंदर कैसी बातें करने लगते हो यार कहां लिखा है तो लिखा भैया इसमें करेंट कांस्टेंट है इसमें कोई ना आई की वैल्यू लिखी ना कुछ लिखा ये तो अपना खुद सेल्फ एजम्शन लेके चलना है भाई क्या अगर मैं ऐसा क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट करेंट कांस्टेंट लेके तो नहीं चलूंगा

तो ये ध्यान रखिएगा है ना बेटा मतलब मेरे को जो आपसे पूछना था उसके लिए मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं यहाँ पे करंट के बारे में ये नहीं लिखूंगा कॉन्टेंट है अगर ये कॉन्स्टेंट करंट होता सुनना मेरी बात आपका गौरंग भाई आपका डाउट डिज्लियर करता हूं अगर ये कॉन्स्टेंट करंट होता तो बेटा जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या नहीं होती कॉन्स्टेंट करंट होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट होती

मजा आया आपको सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे यहाँ कमेंट बॉक्स में कि कैसी फीलिंग आई यार मैं बता रहा हूं मैं बाजा बजा दूंगा एटीसी के के एग्जाम के पहले साला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो या मैग्नेटिज्म हो या एटॉमिक न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर फिजिक्स या रे ऑन वेव ऑप्टिक्स जब मैं डॉपलर इफेक्ट वगैरह यंग्स डबल स्लिट पढ़ाऊंगा गजब लेवल पे तुमको समझ में आने वाला है एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना यार पढ़ाऊंगा निखिल भाई सेमीकंडक्टर फिजिक्स की तो वीडियो देख लेना यार सभी लोग अगर किसी को सेमीकंडक्टर फिजिक्स को इतना अच्छे से देखना है तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स की वीडियो देख लेना

ठीक है और कमेंट करके जरूर बताइएगा यार हाउ यू फील और कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए मैं मचा दूंगा ठीक है पढ़ते रहिए रहिए मेहनत करते सारी चीजें आपके हाथ में होंगी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा और बेटा इसके बाद यहां पर मैंने आपको पहले भी बता के रखा है ठीक है मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बता के रखा है कहा गया भाई एक मिनट रुकना यस तो मैंने आपको पहले भी बता के रखा बेटा इसके अंदर कि यहां पर आप लोगों के लिए है ना यहां पर मैंने आपको पहले बता के रखा ऑलरेडी है ना मैंने आपको पहले भी बता के रखा बेटा ऑलरेडी जब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे है ना तो ए आई ए टी सी फिजिक्स सुपर कोचिंग ये वाले सब इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो सारा कंटेंट मिलता है बेटा जो आपके लिए बहुत ऑथेंटिक है आपकी प्रिपरेशन के लिए ठीक है चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से सो थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू वेरी मच